कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात करेंगे पुतिन से जुड़ी ऐसी खबर की जिसने 52 देशों को अलर्ट कर दिया। खबर ही ऐसी है, खबर है कि पुतिन बीच युद्ध से गायब हो गए हैं। वेगनर ग्रुप की बगावत के बाद पुतिन कहीं अंडरग्राउंड है और वहीं से रिकॉर्डेड बयान जारी कर रहे हैं। फिलहाल वेगनर की बगावत के बाद हुआ विवाद थम गया है, रूस में तख्ता पलट वाली साजिश भी टल गई, लेकिन अब आगे आखिर क्या होने वाला है, अब पुतिन क्या करने वाले हैं, पुतिन के गायब होने की असली कहानी आखिर है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। रूस के राष्ट्रपति कहां हैं? क्या व्लादिमीर पुतिन गायब हैं? क्या पुतिन क्रेमलिन छोड़ कहीं और चले गए हैं? क्या पुतिन मॉस्को से बाहर किसी गुप्त ठिकाने में हैं? आखिर वैगनर की बगावत के बाद पुतिन सामने क्यों नहीं आ रहे? सवाल ये भी है, अगर पुतिन कहीं अंडरग्राउंड हैं, तो पुतिन के बयान दुनिया के सामने कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? Наращивание ее конкурентной способности, позиции как на внутреннем, так и на глобальном рынке. Вы хотите максимально реализовать... क्या रूस में पुतिन का रिकॉर्डेड बयान जारी किया जा रहा है? विदेशी मीडिया में दावा किया गया है कि वैगनर ग्रुप के मॉस्को कूच के बाद पुतिन के जितने भी बयान सामने आए हैं, वो सब पहले से रिकॉर्ड किए हुए हैं। Наращивание ее действительно прекрасный мобилизационный резерв. 24 जून दिन शनिवार को रूस में तख्ता पलट की साजिश हुई। पुतिन का पालतू कहा जाने वाला वैगनर का चीफ प्रिगोजिन बागी हो गया। पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाने वाला वैगनर ग्रुप बगावत पर उतर आया। पुतिन की सेना के खिलाफ वैगनर ग्रुप सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वैगनर ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने रूस के रोस्तोव शहर और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद वैगनर लड़ाकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला मॉस्को की तरफ कूच करता हुआ दिखाई दिया। इसी बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये रिकॉर्डेड बयान जारी किया गया। Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России, сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. वैगनर का विवाद थम गया, रूस में तख्ता पलट टल गया, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है? अब पुतिन क्या करने वाले हैं? पुतिन ने क्या कोई खुफिया प्लान बनाया है? क्योंकि दावा किया गया है कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद से पुतिन अब तक सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। आखिर पुतिन दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? अगर कुछ सामने आ रहा है तो वो सिर्फ पुतिन के रिकॉर्डेड बयान। मंगलवार यानी 27 जून को एक बार फिर से पुतिन का रिकॉर्डेड बयान जारी किया गया। Дорогие друзья, сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. पुतिन के देश के नाम दूसरे संबोधन को जनता के लिए जीत जैसा भाषण बताया गया है, लेकिन पश्चिमी मीडिया की माने तो समस्याएं भी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को रूस की सेना में शामिल होने के लिए कहा था और वैगनर लड़ाके ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी अपने हथियारों के साथ हैं और वो इस समय जमीनी लड़ाई लड़ने वाले सबसे अच्छे लड़ाकों में से एक है। इसी बीच गौर करने वाली बात यह है कि पुतिन के रिकॉर्डेड बयान तो सामने आ रहे हैं, लेकिन खुद पुतिन अभी कहाँ हैं?
इसे लेकर कुछ भी बताया नहीं जा रहा। इसी बीच पश्चिमी मीडिया की कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन का प्रेसिडेंशियल विमान, जिसका आइडेंटिफिकेशन नंबर 1196300PU था, ने मॉस्को से शनिवार दोपहर 2:16 पर उड़ान भरी। पुतिन के विमान को रडार पर सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ान भरते हुए ट्रैक किया गया था, लेकिन टवर शहर के पास से वो गायब हो गया, यानी पुतिन के विमान का रडार से संपर्क टूट गया। हालांकि इस बात की किसी को भी जानकारी नहीं कि पुतिन कहां गए या वो विमान में थे भी या नहीं, इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि रूस के सामने 23 साल में सबसे बड़ा संकट आया और उस संकट के दौरान पुतिन कहां अंडरग्राउंड हो गए। इसे लेकर आशंकाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि पुतिन के पास सेफ हाउस की कमी नहीं। दावों के मुताबिक पुतिन के पास कई प्राइवेट महल हैं। पुतिन के पास काला सागर के किनारे एक विला समेत कई महल हैं। पुतिन अपने होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग में भी किसी गुप्त ठिकाने पर हो सकते हैं, या फिर पुतिन मॉस्को में क्रेमलिन से जुड़ी 17 किलोमीटर लंबी एक खास सुरंग में भी हो सकते हैं, या फिर पुतिन रूस से बाहर किसी दूसरे देश में मौजूद अपने किसी सीक्रेट महल में हो सकते हैं। पेंटागन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा भूमिगत परमाणु बंकर मॉस्को में भी बनाया गया है। ये बंकर मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से सटा है। दावा तो यहाँ तक है कि पुतिन का सबसे खास परमाणु बंकर इतना बड़ा है कि उसमें 1,00,000 लोग शरण लेकर अपने आप को परमाणु हमले से बचा सकते हैं। इस बंकर को जमीन से 2 किलोमीटर अंदर बनाया गया है। इसे चट्टान की मोटी और कठोर परत से बनाया गया है। इसके अंदर मौजूद लोग ना तो परमाणु हमले की चपेट में आएंगे और ना ही रेडिएशन के। इसके अलावा कुछ ही महीने पहले पुतिन के एक सीक्रेट महल की जानकारी लीक हुई थी। महल से जुड़ी सुरंग की सीक्रेट तस्वीरें सामने आई थी। पुतिन के महल से काला सागर को जोड़ने वाला सुरंग का सीक्रेट भी डिकोड हो गया था। एक तरफ काला सागर, काला सागर के किनारे पर पहाड़ी, पहाड़ी पर बना पुतिन का भव्य और फूलप्रूफ किला नुमा महल। महल के नीचे पहाड़ी की कठोर चट्टानों को तोड़कर बनाई गई 2 ऐसी सुरंग जो सीधे पुतिन के महल को जाती हैं। सवाल है कि क्या अभी पुतिन मॉस्को छोड़ इसी महल में है। बताया गया कि दक्षिणी रूस में काला सागर के पास क्रासनाया पुलियाना गांव से बहुत दूर एक पहाड़ी है, काकेशियन। काकेशियन के इन पहाड़ों पर पुतिन का एक सीक्रेट महल है, जो आधिकारिक तौर पर रूस की एक सरकारी कंपनी के नाम पर दर्ज है। इसी महल से जुड़े बंकर की तस्वीरों की खुफिया जानकारी लीक हुई और अब पुतिन के यहाँ होने के कयास लगाए जा रहे हैं। दावा किया गया है कि पुतिन के महल के नीचे भूमिगत परिसर में 2 अलग-अलग सुरंगें हैं। दोनों सुरंगें एक लिफ्ट से जुड़ी हुई हैं, जो महल से लगभग 50 मीटर नीचे उतरती हैं। लिफ्ट 50 मीटर गहराई तक जाती है। लिफ्ट महल को उन 2 सुरंगों से जोड़ती है, जिसे बिल्कुल बंकर की तरह बनाया गया है। इसमें पहले बंकर को ऊपरी सुरंग नाम दिया गया है, ये 40 मीटर लंबी है, और दूसरी यानी नीचे वाले बंकर को निचली सुरंग कहा जा रहा है, जो सीधे काला सागर के बीच पर खुलती है। निचली सुरंग की लंबाई 60 मीटर है। दोनों सुरंगें 6 मीटर चौड़ी हैं। दोनों बंकर में कुल 6,500 वर्ग फुट रहने की जगह है। दावों के मुताबिक दोनों बंकर पर परमाणु बम का हमला भी बेअसर साबित होगा। यही वजह है कि इसे पुतिन का टॉप सीक्रेट अंडरग्राउंड ब्लैक सी बंकर नाम दिया गया है। इन बंकरों के न्यूक्लियर ट्रैक प्रूफ होने के चलते ही इन्हें पुतिन का न्यूक्लियर होम नाम दिया गया है। क्योंकि पुतिन का ये बंकर जिस काला सागर में खुलता है उस पर रूस का दबदबा है। काला सागर में रूस के युद्धपोत मौजूद हैं। रूस की घातक पनडुब्बियां भी काला सागर की गहराइयों में मौजूद हैं। दावे के मुताबिक आपातकालीन स्थिति में पुतिन अपने इस महल से काला सागर के रास्ते अपने किसी दूसरे सीक्रेट अड्डे के लिए सुरक्षित निकल सकते हैं। पुतिन के मॉस्को से बाहर होने की सुर्खियां दुनिया भर में छाई हुई हैं। दावों के मुताबिक वैगनर की बगावत की चिंगारी अभी भले ही शांत हो गई है, लेकिन बगावत के शोले अब पुतिन के पांव के नीचे की जमीन को भी जला रहे हैं। ऐसे में उनके देश से बाहर जाने की आशंका भी जताई गई है, क्योंकि यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार एंटोन गेराशेंको ने पुतिन के रूस से बाहर मौजूद उनके नए ठिकानों की जानकारी दुनिया को दे चुके हैं।
दावा किया गया है कि पुतिन के लिए रूस से बाहर एक लाल बंगला बनवाया गया है। दावे के मुताबिक इस बंगले में पुतिन एक खास समझौते के तहत रहेंगे। रूस में सत्ता गंवाने की स्थिति में भी यहाँ पुतिन की सुरक्षा गारंटी 100% होगी। अब्बास गैलियमोफ के मुताबिक पुतिन के हाथ से रूस की सत्ता फिसलती जा रही है। पुतिन के विरोधी सक्रिय हो रहे हैं। पुतिन को रूस में सरकार गंवानी पड़ सकती है। बड़ा सवाल है कि क्या पुतिन ने मॉस्को छोड़ने के अपने सीक्रेट प्लान की फाइल शी को सौंप दी है। क्या पुतिन ने अपने नए ठिकाने का पूरा पता भी शी के साथ शेयर कर दिया है। पुतिन मॉस्को छोड़ने के बाद कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, वहां पुतिन की सुरक्षा कौन करेगा? क्या ये सभी सीक्रेट डिटेल पुतिन ने शी जिनपिंग के जिम्मे कर दी है? यूक्रेन के एंटन गराशचेंको ने दावा किया है कि पुतिन ने शी के साथ एक गैर प्रत्यर्पण करार किया है। इस समझौते के तहत रूस में अगर पुतिन के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद होते हैं और उन्हें सत्ता से बेदखल किया जाता है तो वो पुतिन आंख मूंद कर चीन भाग जाएंगे।